Good morning, students. Today we are starting our new chapter, lesson number 4, money, profit and loss. Okay. Okay. First, we will start from money. Okay, from money is a start line. Okay. Okay. 48.50. Okay. ऐसे दिया है. तब कैसे read करोगे इसको? 48 rupees. Point की side जो है वो left side है, उसको हम rupees में लेंगे. 48 rupees 50. Point के साइड इसके पैसे में लेंगे, ओके? 50 पैसा, ओके? Now next 37.25 रुपीस में, ओके? आप कैसे इसको राइट करोगे, लिखोगे मनी में? 37 rupees 25 पैसा. Point के साइड जो आता है उसको हम पैसे में लेंगे. Point के लेफ्ट साइड में जो आता है वो रुपीस होता है, ओके? तो 37 rupees 25 पैसा, ओके? ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि 1 रुपी कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा, ओके? 1 rupees = 100 पैसा, ओके? ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसा, ओके? अभी आपको रुपीस को किसमें कन्वर्ट करना है? पैसा, ओके? हमें पता है 1 रुपी कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा, राइट? देखो अभी 15 रुपीस दिया हुआ, राइट? Now next is you have to convert into rupees. पैसे को किसमें convert करना है? Rupees में convert करना है, right? हमें पता है 1 रुपए कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा, right? But यहाँ question में
रुपीस में होता है राइट, इसलिए जीरो आपको नहीं काटना है, ओके कट नहीं करना है। तो दो डिजिट है, टू जीरो से अंदर टू डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे, यानी 78.50 हो जाएगा, तो 78 रुपीज़ 50 पैसा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ एडिशन। ओके एडिशन हम कैसे करते हैं, वैसे इस वाले रुपीस में भी करना है आपको। देखो रुपीस 70 रुपीस 30 पैसा एंड 30 रुपीस 50 पैसा, ओके को ऐड करना है, सिंपल है। ऐड कैसे करते हैं, वैसे आपको करना है 30 रुपीस प्लस रुपीस 30 रुपीस 50 पैसा। ओके प्लस करो 0 + 0 = 0, 3 + 5 = 8, और ये पॉइंट जहाँ माइन लगेगा ओके, फिर नीचे लिखे 7 + 0 = 7, 1 + 3 = 4, और ये रुपीस सिंपल है राइट। देखो 58 रुपीस 25 पैसा एंड 28 रुपीस 50 पैसा राइट, एडिशन करना है रुपीस 58.25 पैसा 28 रुपीज़ 50 पैसा 5 + 0 = 5 2 + 5 = 7 8 + 8 = 16 6 1 carry 1 + 5 = 6 6 + 2 = 7 8, तो कैंसिल आएगा 86.75 पैसा मीन्स 86 रुपीज़ 75 पैसा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ सब्ट्रैक्शन। ओके 15 रुपीज़ 85 पैसा फ्रॉम 30 रुपीज़, मीन्स फ्रॉम मीन्स आपको इसको इसमें से माइनस करना है। तो फर्स्ट साइड फ्रॉम होगा तो क्या होगा, ये इस साइड वाले सेकेंड का नंबर आपको पहले लिखना होता है। ओके तो 30 रुपीज़ जिसका क्या 15 रुपीज़ पॉइंट 85, तो पॉइंट नंबर भी लगेगा। ओके अब नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा ऊपर वाली डिजिट बड़ी होनी चाहिए राइट, अपर नंबर शुड बी ग्रेटर देन डाउनर नंबर राइट। तो यहां देखो 0 इज स्मॉलर देन 5, यू हैव टू कट 0 एंड यू हैव टू राइट 10 9 9 एंड 2। ओके 10 - 5 = 5 9 - 8 कितना होता है 1, तो ये पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है। ओके 9 - 5 = 4, 2 - 1 = 1, 14 रुपीज़ 2 पैसा। देखो नेक्स्ट 560.90 फ्रॉम 600 रुपीज, मीन्स आपको फ्रॉम 600 मीन्स इसको इसमें से माइनस करना है। तो फ्रॉम आएगा तो पहले आपको सेकंड वाला नंबर लेना है। ओके 600 - 560.90 है ना, तो कुछ भी नहीं है पॉइंट नहीं, तो आपको 0 0 लगा देना पॉइंट 0। अब देखो 0 स्मॉलर है 9 से तो 10 हो जाएगा, ये 9 ये भी 9 और ये 5 हो जाएगा राइट, 10 - 9 = 1, पॉइंट 9 - 0 = 9 9 - 6 = 3 5 - 5 = 0, तो क्या है 39.10। ओके यानी 39 रुपीस, तो बाकी से राइट साइड वाला क्या होता है 0 / 10। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम सॉल्व। राजा बॉट अ वैनिला केक फॉर ₹350 50 पैसा एंड कुकीज फॉर 58 रुपीज़ 75 पैसा, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, ऑल मींस क्या है टोटल है ना, पूरा उसने कितना स्पेंड करा, तो ऑल आएगा ऑल मींस क्या है पूरा उसने कितना स्पेंड करा है, टोटल उसने कितना स्पेंड करा है ऐसा पूछा आपको। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं राइट। वैनिला केक कितना है, वैनिला केक 350 रुपीज़ 50 पैसा प्लस कुकीज 50
पास अभी कितने हैं, 400 रुपीस है उसके पास, मोहिनी के पास 400 रुपीस है, she spent 125 on the CD, उसने कितने स्पेंड करे, 125 CD पे स्पेंड करा है और 35 रुपीस 50 पैसा था इसके, है ना, how much money is left with her, देखो उसने कितना स्पेंड करा, उसका टोटल निकलो, कितना स्पेंड करा उसने CD पे और आइसक्रीम पे, 125 CD पे स्पेंड करा है, CD पे कितना स्पेंड करा, 125 रुपीस, राइट, और आइसक्रीम पे 35 रुपीस, पॉइंट है तो यहाँ लिखिए पॉइंट, ओके 35 रुपीस, ये कुछ भी नहीं तो 0 0 टोटल उसने कितना स्पेंड करा है हम पहले वो फाइंड करेंगे, ओके 0 5 5 5 10 0 1 कैरी 1 2 3 3 3 6 और ये 1 है ना, तो टोटल उसने कितना स्पेंड करा होगा, टोटल स्पेंड 160 रुपीस 50 पैसा, राइट, तो देखो इतना स्पेंड करा है, राइट, इसके पास कितने थे 400 थे और इतना स्पेंड कर दिया उसने, 400 में से इतना 160 रुपीस 50 पैसे उसने यूज कर लिया, राइट, इसके बाद उसके पास कितने बचे, कितना लेफ्ट हुआ, कितना रिमेनिंग आया, ऐसा कुछ है, तो रिमेनिंग लेफ्ट हुआ हम करते लेफ्ट फाइंड करने का माइनस करते, राइट, तो 400 उसके पास थे टोटल रुपीस, राइट, और उसने टोटल कितना स्पेंड करा है, 160 रुपीस 0.25 मींस 160 रुपीस 25 पैसा, सॉरी 25 नहीं 50 पैसा, राइट, और यहां कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा दो, ओके 0 0 माइनस 5 नो वी कैन सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0, राइट, वी हैव टू कट 0 एंड वी हैव टू राइट 10 9 9 3 10 माइनस 5 5 9 minus 0, 9 minus 6, 3, 3 minus 2, 3 minus 1, 2. Means, अब इसके पास कितने left होंगे? 239 रुपीस 50 पैसा, okay? Money left with her is rupees 239. Rupees 50 paisa. Okay. Okay, students. Now, next question is. A calculator costs rupees 415 rupees 50 paisa. Find the cost of 4 such calculator. Means, आपको cost कितने का दिया हुआ है? A calculator cost means एक calculator cost कितना होगा? 415 rupees 50 paisa होगा. आपको कितने का find करना? Find the cost of 4 calculator. 4 such a calculator. तो 4 calculators का कितना rupees होगा? हमें ये पता है? Number of calculator ना number. कैलकुलेटर और उसको रुपीज पता है, राइट, हमें वन कैलकुलेटर का रुपीज पता है कितना है 415.50, राइट, और हमें कितने को फाइंड करना है, फोर कैलकुलेटर को फाइंड करना है, राइट, हमें नहीं पता तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 4 15.50, राइट, और ये मान लो 1 के साथ
कितने रेंट इज क्लियर, आपको दिखाई दे रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन,